पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा के भाई हरेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया गया है और इस हमला में हरेंद्र कुशवाहा बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पूर्णिया सांसद के भाई ने कहा कि एक शादी समारोह से वे लौट रहे थे, तभी कुछ लोग उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर नीचे उतारने लगे और कहने लगे कि साइड नहीं दिए हो, इसका अंजाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद उन लोगों ने हमला बोल दिया। किसी तरह से हरेंद्र कुशवाहा जान बचाकर तो भाग गए, किंतु उनकी गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया गया कि कुछ लोगों की पहचान भी की गई है। हम रामबाग से एक शादी समारोह में जा रहे थे और तीन गाड़ी से ओवरटेक करके हमारी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद जो है हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हम किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागे हैं और भाग दौड़ के क्रम में हमें चोट भी आई है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम कुछ लोगों को पहचान चुके हैं जिसकी जानकारी हम एसपी साहब को दे दिए हैं और हम बाय नेम एफआईआर कर दिए हैं। हमने कहा उन लोगों को कि मैं सांसद का बड़ा भाई हूँ और वो लोग सांसद जी के नाम सुनने के बाद जो है पूरा उग्र हो गए और मेरी गाड़ी को पूरा तरह से क्षतिग्रस्त। वो लोग 6-7 आदमी से तीन गाड़ी ओवरटेक कर मेरी गाड़ी को रोका गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। किस तरह का हथियार? उन लोगों के पास अग्नियास्त्र भी था, बड़ा हथियार भी था और लाठी डंडा भी था।